का हारमोनियम का आवाज और उठा लो ऊपर। आवाज आप सबके समझ में आवत या है? यही भाव है। चलो रे डोली, चलो रे डोली, उठाओ कहार पिया मिलने की रुक आई। चलो रे डोली, हो ये भाव रहा, लेकिन गीत के अंदर कवि जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। कैसे बाबू? हो मेरी मैया, हो मेरी मैया, बजा दे सितार। हो मेरी मैया, बजा दे सितार, जननी जगत की हितकारी मेरी। पहले बंद में भक्त माँ से कहता है, माँ तेरी कृपा का फल है, हम भक्तगण तेरा गुणगान किया करते हैं, वरना हमें वो सामर्थ्य कहाँ है। तेरी महिमा का बखान शब्दों में किया जा सके ये असंभव है। बड़े प्रेम से कहता है, कैसे? रखो अपने लालन की लाली ओ माँ, रखो अपने लालन की लाली ओ माँ, तुम ही मेरे गुलशन की डाली हो माँ। क्या बात है, मैं हूँ माँ। दूसरे बंद में भक्त माँ से कहता है, माँ दुनिया तेरी चौखट पर आती है, कुछ न कुछ अरमान लेकर के, कुछ न कुछ अभिलाषा होती है, लेकिन इस भक्त की भी कुछ अभिलाषा है, तेरी चौखट पर खड़ा है माँ, और कुछ मांगता है। क्या? धन दौलत महल अटारी माल खजाना ये नहीं मांगता, बस एक छोटी सी विनती है माँ। क्या? खिला दे सुमन मन का साकार हो, खिला दे सुमन मन का साकार हो, रंगे रंग में रंगीला आकार हो।
उस मन के मन रूपी सुमन को इस तरह से प्रफुल्लित और आनंदित कर दे माँ। हेलो हो करू हर पल हो से बार बार जननी जगत की हितकारी हो मेरी मैया बजा दे सितार जननी जगत की बस मां। हेलो निवेदन और है, एक निवेदन और है मां। वो क्या चीज, दुनिया बहुत प्रार्थना करती है कि भगवान प्रभु बीड़ा वाली जोटा वाली शेरा वाली मुझे बुद्धि देना, लेकिन देखें काका हम एक निवेदन करी थी। निवेदन ये करता हूँ कि माँ सब कुछ ले लेना, सद्बुद्धि ना दे लेना और सब कुछ देना लेकिन अहंकार मत देना। ये आराधना में मैं अपने अक्सर ये कहा करता हूँ, और बुद्धि नहीं बल्कि सद्बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास होती है, बुद्धि तो चोरों के पास भी होती है, उस बुद्धि से अपना काम कर जाता है, लेकिन मुझे वो बुद्धि नहीं चाहिए जो बुद्धि मुझे दुर्गुणों की ओर अग्रसित करे, दुर्गुणों को मन में बढ़ावा दे, गलत कार्यों में उसका उपयोग करूं। माँ मुझे सद्बुद्धि दे। इसलिए कवि बड़े प्रेम से कहता है माँ मिले ज्ञान गुणगान गाता रहूं, मिले ज्ञान गुणगान गाता रहूं, तेरे पद में मस्तक झुकाता रहूं, तू है पतवार जननी जगत की हितकारी हो मेरी मैया बाबूजी। अंतिम और आखिरी भाव में घराने का अपने परिचय देते हुए माँ, जिस खानदान ने मुझे उस योग्य बनाया है उसका आभार व्यक्त करना, उसका स्मरण करना, ये भी उस कड़ी में आता है, उस वंदना की कड़ी में। जिन्होंने इस परंपरा को, जिन्होंने इस नींव को, जिन्होंने बिरहा की फुलवारी को लगा करके अपने जीवन काल में अभिसिंचित किया, उस फुलवारी को मैं सींचता रहूं, उस योग किसने बनाया, ये भाव कभी बड़े करुण भाव से व्यक्त करता है। दया राम लहरी करे नित नमन, दया राम लहरी करे नित नमन, लिए कर में माला निराला सुमन, बिरहा जगत में मुझे पुनर्जन्म देने वाले जिनका यहाँ ननिहाल है, आदरणीय ब्रजेश भैया
आपने मुझे एक नया जीवन दान भी रहा जगत में दिया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सौजन्य से, जिनके कृपा से, जिनके माध्यम से मैं आपके बीच आपकी सेवा का मुझे अवसर उन्होंने दिया है। और आप चूंकि बिरहा तो मैं बंद कर चुका था, आप जिनका मैं नाम ले रहा था, आदरणीय ब्रजेश यादव बाबू जी, ये सुंदर पुष्पहार, ये 201